हाय फ्रेंड्स, मैं सरिता आज आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं बनाने वाली हूँ केक। और जो वो केक बनने वाला है वो बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से, जो कि आसानी से आपको घर में भी मिल जाता है। उस केक, उस 3 इंग्रेडिएंट को लेके आप, जो 3 सामान जो भी है उसको लेके आप आसानी से घर पे केक बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बच्चे बहुत ही ज़िद करते हैं बार बार केक खाने की, तो बाहर से केक ना लाने के बजाय आप उसको घर पे ही केक आसानी से बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और वो हाइजेनिक भी होता है आप घर में बनाएंगे तो। और अब बाहर से लेके आके तो एक्सपेंसिव भी पड़ता है हम लोगों को केक, तो आप घर पे बना सकते हैं आसानी से 3 सामान के साथ। 3 ही सामान होंगे, और जो वो सामान होंगे वो आपको आगे वीडियो में पता चलेंगे। मैं आपको वीडियो में बता दूँगी कि वो 3 सामान क्या है। तो विदाउट फर्दर अडूइंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जो 3 चीज़ें थी वो थे ओरियो के पैकेट्स, आपको इनो चाहिए है, और रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध चाहिए। सिर्फ 3 चीज़ें हम लोगों को चाहिए जिससे हम आसानी से घर में केक बना सकते हैं और बच्चों को आसानी से खिला सकते हैं। और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है और बहुत ही सस्ता भी पड़ता है, बच्चों को आप आसानी से और बहुत ज़्यादा लोग भी खा सकते हैं इसको। तो मैंने ये क्रश कर ली है। मैंने चॉकलेटी क्रीम वाले बिस्किट लिए थे, आप वाइट ओरियो क्रीम भी ले सकते हैं बिस्किट, लेकिन मेरे को मिले हैं चॉकलेटी क्रीम मिले हैं। तो मैंने इनको तोड़ दिया है, तोड़ के मैंने इसमें डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर में। अब मैंने तोड़ के इन्हें ग्राइंड कर दूंगी। ये मैंने मिक्सी चला दी है और अभी ग्राइंड 30 सेकंड के लिए इसको ग्राइंड करना है। देखिए ये पाउडर फॉर्म में बन गया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें दूध मिला दूंगी, दूध भी मैं इसी में ही मिला दूंगी। थोड़ा डालें, ज्यादा ना डालें, ताकि ज्यादा दूध हो जाएगा तो ये पतला हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी रखनी है, ये ज्यादा पतला भी ना हो, ज्यादा गाढ़ा भी ना हो। मैंने दोबारा से इसको मिक्स कर दिया है। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, देखिए। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल दूंगी। ये देखिए आप, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज्यादा थिक भी ना हो और ज्यादा पतला भी ना हो। अब मैंने इनो कटोरी में ले लिया था, तो अब मैं इनो भी डाल दूंगी आधा चम्मच। और इनो डालने के तुरंत बाद ही आपको इसको कंटेनर में पलटना होगा। आप पहले से ही कंटेनर को ग्रीसिंग करके रख लीजिए। बटर पेपर मैंने इसमें लगा लिया था, बटर पेपर लगाने के बाद मैंने इसको इसमें डाल दिया कंटेनर में। आप इनो डालते ही इसको तुरंत कंटेनर में डाल दीजिए, नहीं तो केक फ्लफी नहीं बनता है। इसको डैप भी कर देना, क्योंकि डैप डैप करके क्या होता है ना कि इसे इसमें बबल्स होते हैं, वो उसके एक्टिव हो जाते हैं। तो अब मैंने ये ओवन में डाल दिया। मैंने ओवन ऑन कर दिया है माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव में 25 मिनट तक मैं इसका वेट करूंगी, ये कितना पकता है। 25 मिनट का टाइम इसने सेट कर दिया है। अब आपको 25 मिनट के बाद हमें देखना है, टूथपिक की सहायता से मैं इसको देखूंगी कि ये पका है नहीं पका। अगर टूथपिक क्लीन आ जाती है तो इसका मतलब दैट मीन ये पक गया है, और अगर क्लीन नहीं आती है इसका मतलब ये पका नहीं है। तो हम इसे दोबारा से 5 मिनट के लिए फिर से रखेंगे। चलिए टूथपिक की सहायता से देखिए आप, एकदम टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, तो इसका मतलब ये पक गया है, मुझे दोबारा पकाने की इसको जरूरत नहीं पड़ी है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, फिर उसके बाद में इसको हम प्लेट में पलट के फिर इसमें ना डिटेलिंग आपको जो भी करनी है, अगर आपको नहीं करनी है तो आप विदाउट डिटेलिंग भी इस केक को खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को एक बार खिला के देखिए। तो चलिए थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ये पेपर मैं रिमूव कर दूंगी। अभी थोड़ा सा स्पॉन्जी बना हुआ है, ये थोड़ा पतला बन गया है मेरे से। अब मैं इसकी डिटेलिंग करूंगी।
अब चॉकलेट सिरप मेरे पास है, एक्चुअली हर्शेप सिरप है ये, तो मैं इसको डाल दूंगी इसके ऊपर। ये देखिए, अब मैं इसमें इसको फैला दूंगी। ये देखिए मैंने फैला दिया इसे इसके ऊपर। तो देखिए दोस्तों, देखो ये मैं बना दिए केक को। प्लेट लाओ सजाने के लिए। तो आप ये केक आराम से खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव सरिता को बताइए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी ओरियो केक की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और आप खुद भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।